टीम में आपको बताऊंगी ऊन की सहायता से स्लीव डिजाइन कैसे बनाए। और ये जो डिजाइन हम स्लीव में बना रहे हैं, ये डिजाइन आप कुर्ती के चौक में भी बना सकते हैं, कुर्ती के नेक में भी बना सकते हैं। तो मैं आपको स्लीव के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, एक मैंने ग्रीन कलर की ऊन ली है और रेड कलर का धागा लिया है, और देखिए मैंने स्लीव कट कर ली है। और अभी स्लीव का साइज बता देती हूँ और फिर हम इसमें डिजाइन करेंगे। तो देखिए, इसकी जो विड्थ है ये 8 इंच ली है मैंने। ये 32 साइज की कुर्ती या ब्लाउज में आप लगा सकते हैं। और इसकी जो लंबाई ली है आप देख रहे हैं 4.5 इंच है, और इसमें हमारा ये बॉर्डर भी आएगा, तो ये 6 इंच के आसपास की हमारी ये स्लीव तैयार हो जाएगी। और इसके लिए मैंने देखिए जो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने कुछ कपड़ा लिया है, इसका साइज बता देती हूँ। अस्तर और स्लीव का कपड़ा दोनों ले लिया है मैंने। और देखिए, इसका जो चौड़ाई लिए मैंने 3.5 इंच ली है, और लंबाई आप जितना आपका मोहरी है उस हिसाब से इसकी लंबाई ले। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये हमने कपड़ा लिया है बॉर्डर के लिए, अस्तर और एक कपड़ा, इस पर पहले हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो डिजाइन देने में हमको आसानी रहेगी। तो देखिए, मैंने कपड़े को इस तरह से खोल दिया है, और देखिए इसके लिए मैं स्केल की सहायता लूँगी, और देखिए मैं इसको बर्फी शेप में डिजाइन दूँगी। तो जो हमारा ये कॉर्नर है एक साइड से, हम इस तरह से यहाँ पर स्केल को रख लेते हैं और मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो एक हमने मार्किंग कर ली, सेम जितना हमारा स्केल है उतना ही हम एक और मार्किंग करेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी मार्किंग कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने क्रॉस में मार्किंग कर ली है। अभी फिर से मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से स्केल को रख लेंगे हम सेम कोने में, और फिर से स्केल को इसी तरह से रख लेंगे, और सेम इसी तरह से फिर मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये सारी डिजाइन मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अभी जैसे कि मैं ये ऊन हमारी यहाँ पर रहेगी ऊपर की तरफ, और इसमें मैं रेड धागा यूज कर रही हूँ। तो रेड ही सिटिल आपको नीचे भरना है धागे का, तो रेड सिटिल भर लेंगे और ऊपर हमारा रेड धागा रहेगा, और प्लस ये हमारी ऊन रहेगी। और देखिए, जो स्लीव में हमको कट करना है, अभी इसकी डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अस्तर पर ही कर लेंगे। तो देखिए, नीचे से मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं ले रही, 1.25 इंच लिया है मैंने, 1 इंच नहीं लिया है। तो ये सिंगल में हमारा 1.5 इंच हो जाएगा, और सेम यहाँ पर हम 2 इंच ले लेते हैं ऊपर की तरफ, और 2 इंच को इस तरह से यहाँ पर क्रॉस में मार्किंग कर देंगे, और सेम इसको कट कर देते हैं। तो देखिए, ये कट कर दिया है, और अभी इसको सिलने का तरीका बताते हैं। तो उसके लिए हम इसमें स्लीव को जो है सीधा रख लेंगे। स्लीव को सीधा रखने के बाद जो अस्तर है इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पर, और अभी हम यहाँ से लेके पूरा इसको यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। जो ये ड्राफ्ट है हमारा यहाँ पर कट कर देंगे, इसको पलट के चारों तरफ से इसकी फिनिशिंग दे देंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें यहाँ पर भी ऊन से डिजाइन करेंगे। तो स्लीव तैयार हो जाएगा, उसके बाद डिजाइन करेंगे। तो देखिए, जो हमने कपड़ा लिया है, और देखिए ये मैंने फॉग लिया है, और अभी मैं इसे प्लेट डालने का तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान है। तो देखिए, स्टार्टिंग से ही आप ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे, और देखिए इस तरह से इसकी प्लेट डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग डालना। तो देखिए, जो मार्किंग की थी, अभी हम यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, ग्रीन हमारी ऊन रहेगी और ये रेड कलर का हम धागा यूज़ करेंगे। तो सिटिल में भी यही धागा यूज़ किया है मैंने, और ऊपर भी ये धागा यूज़ करेंगे। अभी ऊन को कैसे हमको सेट करना है वो आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों पार्टों में इनमें जिसमें से हम धागा निकालते हैं मशीन में, तो दो होल है। तो एक में हमारा रेड धागा आ रहा है, और एक में हम ऊन डालेंगे। तो देखिए, पहले ऊन को हम यहाँ पर डालेंगे इस तरह से, और फिर उनको इस तरह से बाहर की तरफ घुमा लेंगे। इसको अंदर नहीं डालना है, जिसमें ये व्हील है इसमें नहीं डालना है, इसको बाहर से ही दूसरे वाले जो पॉइंट है इसमें से हम निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए, ये धागा हमने इस तरह से निकाल दिया है, और इस पार्ट को जैसे मैंने बताया इस तरह से सेट कर लेंगे, और ये धागा हमारा अलग रहेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ऊन है हमारी, इसको हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। देखिए, जैसे हमने ये डिजाइन बनाई है सेम पहले उसी तरह से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे इस लाइन पर हम ले लेते हैं पहले। तो देखिए, इसमें जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे हम फॉल पी को करते हैं, तो जब भी सिलाई करते हैं तो 0 से नीचे रहता है। अगर हम पी को करेंगे तो 3 नंबर पर रहेगा, और फॉल लगाएंगे तो 2 नंबर पर। तो अभी हम 2 नंबर पर इसको सेट कर लेते हैं। उनको हम इस तरह से पकड़ लेंगे हाथ से। तो देखिए, ये डिजाइन हमारी उनकी इस तरह से आएगी। अभी जितने भी हमने ये डिजाइन बनाई है, पहले इस लाइन में स्टिच करेंगे फिर इस तरह से, तो सभी में इसी मेथड से हम स्टिच कर लेते हैं।
तो देखिए मैंने इस तरह से ये पूरी लाइन स्टिच कर दी है। अभी हमने ये लाइन जो ड्रॉ की इन पर भी इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, उनको इसी तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया मैंने ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। और देखिए स्लिप जो है मैंने जैसे बताया था नीचे मैंने सीधा स्लिप रखा है, उसके ऊपर अस्तर, यहाँ से लेके मैंने पूरा इसको यहाँ तक स्टिच कर लिया है क्योंकि हम इसमें भी डिज़ाइन देने वाले हैं। तो पहले इसकी इसको पलट देते हैं और इसमें डिज़ाइन कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी फिनिशिंग देंगे पैच की। तो देखिए इसमें इसको मैंने पलट दिया है और यहाँ शोल्डर से जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम यहाँ तक करेंगे और फिर सेकंड लाइन यहाँ तक। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी इसी तरह से थोड़ा सा गैप देके दोनों स्टिच कर दिए हैं। तो ये पार्ट हमारा तैयार हो चुका है, जो ये पैच है इसको तैयार करते हैं। जैसा कि मैं इसमें रेड कलर की पाइपिंग देने वाली हूँ तो मैंने ये रेड कलर का कपड़ा लिया है इसी के साइज के अनुसार देखिए। और अभी हम इसकी पाइपिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस पीस को इस तरह से रख लेंगे और स्ट्रेट एक स्टिचिंग डाल देते हैं। इसी का अस्तर भी हो जाएगा और पाइपिंग भी दोनों हो जाएगा। तो देखिए स्टिच कर दिया, इसको हम पलट देंगे। देखिए यहाँ पर पलटने के बाद इस तरह से पाइपिंग दे देंगे। तो देखिए एक साइड हमारी पाइपिंग हो चुकी है और उल्टी तरफ देखेंगे, देखिए इस तरह से आएगा, इसका अस्तर भी हो गया, पाइपिंग भी हो गई। अभी पाइपिंग हम दूसरी साइड में भी लगाते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी ले ली है और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी पाइपिंग दे देते हैं। यहाँ पर भी स्टिच डाल दिया, सेम इसको भी पलट देंगे, यहाँ पर पाइपिंग दे देंगे और बाद में यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। तो देखिए ये पैच हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी हम यहाँ पे स्लिप में इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये कट हमारा इस तरह से देखिएगा, नीचे ये बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिनिशिंग दे दी है, थोड़ा सा ही लेंगे मार्जिन। तो जिधर हमने ये पाइपिंग दी है अलग से कपड़ा लेके, उस तरफ से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने पूरा स्टिच डाल दिया है। और देखिए मैंने ये ग्रीन कलर का बटन लिया है, आप चाहे तो रेड कलर का भी ले सकते हैं क्योंकि रेड पाइपिंग दी है हमने। तो बटन को मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर दूँगी, जैसे आप नॉर्मल स्लीव अटैच करते हैं कुर्ती या ब्लाउज में, सेम उसी तरह आपको स्टिच करना है। और देखिए यहाँ पर जब पहनेंगे तो ये कट दिखेगा और यहाँ पर इतना सुंदर हमारा ये बॉर्डर आ जाएगा। और जब इसकी जो फिटिंग करेंगे आप, तो देखिए इसका जो आपका साइज हो उस साइज़ की आप फिटिंग कर लेंगे तो ये डिज़ाइन देखिए काफ़ी सुंदर लगेगी। यहाँ पे कट रहेगा आपका सेंटर में और ये बॉर्डर दिखेगा, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगती है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ये स्लिप डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।